आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से एक बार स्वागत हमारे चैनल में, बाबूजी में। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कॉर्सेयर TX 850M, जो कि 850 वाट का एक SMPS है और जो है 7 साल के वारंटी के साथ आता है। 80+ गोल्ड का एफिशिएंसी भी इसका है, मतलब जो जितना इनपुट करंट ड्रॉ करता है 850 वाट का 80% तक ये परफॉर्म करता है, डिलीवर करता है। उसका अनबॉक्सिंग देखेंगे। ये एक मॉड्यूलर SMPS है दोस्तों। मॉड्यूलर में आप जो भी केबल्स है वो खोल सकते हो, सिवाय मेन जो केबल होते हैं उसके सिवाय। तो आइए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। पहले इसमें 80+ गोल्ड सर्टिफाइड, 100% ऑल जापानीज, 105 डिग्री सेल्सियस कैपेसिटर्स, थर्मोस्टैटिस्टिकली कंट्रोल्ड फैन फॉर लो नॉइस, सुपीरियर वोल्टेज रेगुलेशन एंड लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। सर्टिफिकेशन तो पहले ही बता दिया हमने, और ये दूसरे भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों उस तरफ कुछ ऐसा था, अभी इस तरफ कुछ ऐसा है कि कॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। ऑटो स्विचिंग सर्किट्री अलाउज यूनिवर्सल AC इनपुट फ्रॉम 100 वोल्ट से 240 वोल्ट तक, कोई भी वोल्टेज सपोर्ट करेगा और स्टेबिलाइज भी कर लेगा। और सपोर्ट से ATX 12 वोल्ट 2.4 वर्सन एंड DPS 12 वोल्ट 2.92 वर्सन स्टैंडर्ड। डायमेंशन भी दिया हुआ है दोस्तों, और ये थोड़े दूसरे भाषा में है। और दोस्तों पीछे ऐसा है, ग्राफ करके दिखाया गया है कि सिस्टम लोड के साथ इसका क्या बोलते हैं टेम्परेचर, मतलब एफिशिएंसी कितना देता है। ये देखिए पीक है 230 वोल्ट, मतलब हमारे इंडियन स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो 90% करीबन 90% देता है, ठीक है दोस्तों, अंडर 25% मान लीजिए, ठीक है। 25% सिस्टम लोड में ये 90% एफिशिएंसी देता है, और जब 100% सिस्टम लोड आता है ये देता है करीबन, फिर भी 90% देता है मुझे जो दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी बेहतरीन है मानना पड़ेगा। और फैन नॉइज लेवल भी दिया गया है डेसिबल के अनुसार, 25 डिग्री एम्बियंट टेम्परेचर में। ये 10 dB से शुरुआत होता है, और जितना पावर ज़्यादा आउटपुट देता है फ़ैन, ज़्यादा जोर घूमता है तो उसके हिसाब के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम होता है 850 वाट डिलीवर करने के वक्त 30 dB, जो कि काफ़ी नॉइजलेस है, सीमिंगली नॉइजलेस है। फास्ट एंड क्लीन इंस्टॉलेशन भी है, मॉड्यूलर केबल्स है जैसा मैंने पहले आपको बताया था। ये रेटिंग दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। DC आउटपुट क्या क्या देता है, कौन कौन सा रेल में ये देता है, मैक्सिमम लोड 12 एम्पियर, 6 एम्पियर में, 25 एम्पियर, और हर एक रेल में हम ऐसे दिख रहे हैं कि 12 वोल्ट में 70.8 एम्पियर दोस्तों, जो होता है 849.6 वाट, ठीक है। और नेगेटिव बायस में भी ये 9.6 वाट देता है, ठीक है, बहुत मस्त है। अभी हम इसको खोल के देखेंगे अभी इसको। आइए दोस्तों खोल के देखते हैं इसको। टेन टेन, ये लीजिए हम खोल दिए। ये है इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये कुछ होगा मतलब क्या इम्पोर्टेंट है, ये कॉशन है, ये खोलना नहीं है, प्रोफेशनल के ज़रिए इंस्टॉल करना है वगैरह वगैरह। पावर सप्लाई पानी के पास ना ले जाया करे, हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी में भी ना रखी रखना मना है, रखना नहीं चाहिए। और जो जो है स्टैट्यूटरी वार्निंग्स जो हम अक्सर करते नहीं हैं, आप भी एक बार पढ़ लीजिएगा तो आसानी होगा इंस्टॉल करने में। हाँ तो दोस्तों ये है ये इसका यूज़र मैनुअल। ये मैनुअल कॉमन है 550, 650, 750 और 850 तक। लगता है कॉर्सेयर ने पैसा बचाने की ये डिसीजन लिए है। तो आइए देखते हैं 850 में क्या है। पेज नंबर 3, या जो बाहर हमको मिला था करीब कुछ वही होगा, यही वही ग्राफ है जो हम बाहर दिखे थे कलर में, अब ये आ गया ब्लैक एंड वाइट में। और इंस्टॉलेशन के लिए हम ये देखेंगे इसमें क्या क्या केबल आता है, वो भी यहाँ पे है।
ATX केबल, 24 पिन, UPS केबल, PCI एक्सप्रेस, SATA केबल, ठीक है, ये सब पावर केबल है दोस्तों, पेरिफेरल केबल और फ्लॉपी अडाप्टर, ठीक है, कौन सा कितना कितना करके दिया गया है वो भी लिखा हुआ है, ठीक है, और लेंथ भी दिया गया है, और ये कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये सी पावर कॉर्ड डिस्कनेक्ट करके वॉल सॉकेट से खोल के, UPS से खोल के, उसके बाद सब पावर केबल खोल के, ये चेसिस में ये पुराना एग्जिस्टिंग जो है या फिर नया होगा तो चेसिस में डाल दीजिए, स्क्रू लगा दीजिए, उसके बाद पावर कनेक्टर्स को कनेक्ट करें, उसके बाद जो SMPS का पावर केबल मेन पावर सॉकेट तक जाता है या UPS तक जाता है उसको कनेक्ट करें, उसके बाद स्विच ऑन करें, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बार देखते हैं कि ये मतलब असली चीज़ जो है वो क्या है, हमको तो चाहिए ये वाला असली चीज़। ये है दोस्तों पावर केबल, 13 एम्पियर का फ्यूज़ के साथ आता है ये, और यूरोपियन पावर कनेक्टर है, जानकारी के लिए बता दें आपको, अगर घर में यूरोपियन वॉल सॉकेट ना हो तो आपको एक अडाप्टर चाहिए होगा इसका, ठीक है, और वैसे ये कॉर्सर खुद बनाता नहीं है। और ये रहा मॉड्यूलर केबल्स जो सील किया हुआ पैकेज में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये पैकेज में आपको सारे के सारे केबल्स मिल जाएंगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैनुअल में दिखाया आप लोगों को, और ये है महाशय, ये महाशय है SMPS TX 850M, ठीक है, और इसका मॉड्यूलर कनेक्टर्स जो है वो सब यहीं पे है, और ये आता है इसके साथ, ठीक है, ये वाला फिक्स है, मतलब ये 24 पिन वाला जो है ये वाला फिक्स है, और CPU का 8 पिन वाला दो, एक और एक, हाँ ये CPU का 8 पिन वाला जो है ये भी फिक्स है, इसको छोड़ के जब बाकी जो सारे है सब पेरिफेरल्स है, और पेरिफेरल्स जो है वो डिटैचेबल है, ठीक है, ये पेरिफेरल्स आटा, और ये है, और ये है दोस्तों और सर का फैन, और ये आता है जो फासनर्स, ठीक है, स्टेप फासनर्स, और वायर को केबल मैनेजमेंट के लिए, और स्क्रू भी दिया गया है इसके साथ, बस टोटल चीज़ जो है यही सारे है, और इस तरफ पावर कनेक्टर है जैसे आप देख रहे हो, और इस तरफ इसका खासियत जो है वो सारे लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। और ये है क्या क्या है, 6+2 PCI Express एंड 4+4 CPU का कनेक्टर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। टिल देन टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।